तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का व्लॉग विद अमित के फ्रेश व्लॉग के अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं लद्दाख, तो दिल्ली टू ले टू दिल्ली वापस 13 डेज का ट्रिप है और बाइक पूरी की पूरी हमने तैयार कर रखी है। तो कुछ क्या क्या लगवा रखा है वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ मैंने लगा रखी है विंड स्क्रीन और इसके अंदर कई सारे मॉडल्स आते हैं छोटे से लेकर बड़े तक। तो ये मैंने इतना लगाया कि यहाँ से जो हवा ऊपर जाएगी वो हवा सीधा हेलमेट से ऊपर निकल के लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी आपको मौसम नज़र आ रहा है आसपास का, तो ये थोड़ा मानसून चल रहा है इस टाइम पे, जो बाइक आगे चल रही होगी उसकी मिट्टी लग सकती है मुँह पर, तो इसलिए मैंने लगा कर देख सकते हो आप, इस पर काफ़ी मिट्टी है अभी, तो पानी जो उड़ेगा वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद अलॉय व्हील्स लगे हुए थे मेरी बाइक में, आप सभी को पता है, लेकिन मैंने इस पर लगवा दिए स्पोक व्हील्स। उसके बाद मैंने इस पर करवाई है लेमिनेशन, 3M मैट लेमिनेशन है ये। और एक चीज़ आपको बता दूँ, इस बाइक में जो जो भी लगा आपको कुछ भी मंगवाना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नंबर मिल जाएगा, आप उसको मंगवा सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको, मैंने लगा रखा है यहाँ पर टैंक बैग, ये एक्सपेंडेबल टैंक बैग है और मैग्नेटिक है और इसके साथ बैक पैक की तरह यूज हो सकता है। ऊपर का जो ये है इसमें फ़ोन भी ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी बहुत फेवरेट है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये इसके अंदर लगाया हुआ मैंने सिमटेक का मोबाइल होल्डर, बहुत ही गजब मोबाइल होल्डर है, बहुत ही प्रीमियम मोबाइल होल्डर है, आपका फ़ोन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता, प्लस आपके फ़ोन को बहुत ही फर्म ग्रिप मिलती है। मेरे जो ओरिजिनल मिरर्स थे वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने आफ्टर मार्केट मिरर्स ही परचेज करे थे, ये भी आप मंगवा सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी इनकी भी अवेलेबल है हमारे पास। लेग गार्ड, कई लोग सिंगल रॉड लेग गार्ड लगा के लद्दाख जाते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगल रॉड लेग गार्ड होता है वो यहाँ से टच होने तक, ज़मीन तक काफ़ी बाइक गिर चुकी होती है, लेकिन ये वाला जो लेग गार्ड होता है ये सीधा यहाँ से बाइक को टच करता है ज़मीन पे, और आपकी बाइक ये कह सकते हो कि एक अच्छे एंगल पे आके रुक जाती है अगर ज़्यादा फास्ट नहीं गिरे हो तो। उसके बाद पीछे आते हैं तो ये मैंने बैग्स ले रखे हैं MSC की तरफ से। अब जो सैडल्स का जो यहाँ पे लद्दाख कैरियर का जो जगह होती है उसकी जगह देख सकते हो आप इतनी, और यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके अंदर क्या होता है जो बैग है ये मेरा पूरा आ नहीं रहा था सीधे में, तो मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया इसको वर्टिकली। और पीछे यहाँ पे हमने रखा है खजेरी कैन, और यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है पूरा रक्सैक मेरा, 5-6 मैंने इसे बंजी कॉर्ड लगा के इसे रोक रखा, क्योंकि बाइक जब स्पीड पे होती है तो पीछे का नज़र नहीं आता बैग है कि नहीं है। उसके बाद ये दोनों साइड में मैंने बैग लगा रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीट आपकी बाइक के लिए, कि आपकी लॉन्ग राइड में, क्योंकि सीट पर आपने बैठे रहना, तो आप देख सकते हो कितनी कम्फर्टेबल सीट है राइडर और पिलियन दोनों के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक की हाईलाइट, तो वो है ये इसका पीछे से बैकरेस्ट, अब बहुत ही ये ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखो, और पीछे से पूरी इसको ग्रिप मिलती है। और ये कहाँ पे अटैच है, जहाँ पे आपका बाइक का नॉर्मल बैकरेस्ट अटैच होता है, तो ये वहीं पर नीचे जाके अटैच है पूरा, मैंने बनाने की वीडियो बना रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर लगी हुई हैं, और मैंने कुछ स्टिकर लगा रखे हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर, ये मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं एक्सेसरीज दिखाता हूँ सारी, क्योंकि हमारा एक्सेसरीज़ का भी काम है। आगे मैंने हेडलाइट लगवा रखी है कस्टमाइज, ताकि मेरे को फॉग लाइट लगाने की जरूरत ना पड़े, हालांकि जो मेरा ट्रैवल रहेगा मैक्सिमम दिन के टाइम पे रहेगा तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने जो पीछे फ्लैग लगा रखा है हमारा इंडिया का, ये मैंने यहाँ पर एंटीना पर लगा रखा है, और ये पूरे रास्ते ऐसे ऐसे झूलता रहता है, इसको मेरे को अभी यहाँ पर फिक्स करना है ऐसे करके, ताकि ज़्यादा हिले ना, कहीं निकल के गिर भी सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर यहाँ पर एंटीना के ऊपर यहाँ पे मैंने इसको रबड़ से टाइट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगा रखी है, एक जेरिकन लेके चल रहा हूँ अपने साथ में, हालांकि ये पहले से मेरा पड़ा हुआ था तो मैंने यही डाल दिया है, और यहाँ पे हमारे पानी की बोतल पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ भी आपने मंगा लिया ऑन इंडिया आप डिलीवरी करवा सकते हो इन सभी चीज़ों की, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसा कि आपने मैंने आपको बताया, राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल है हमारा, जहाँ पर हम एक्सेसरीज दिखाते हैं, तो सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाइक जब हम टूर पे होंगे, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने आ रही है, उसको भी आ जाके फॉलो कर सकते हो।